प्रसिद्धाय धीमहि तण्डोदं तिप्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुचधारणं रथं च वरदं हस्तैः प्रभाळं मूषकध्वजवरक्तं लम्बोदरं सूत्रवृत्तावृत्तवासं रक्तगन्धानलुप्तांगं रक्तपुष्पैः च पूजितां भगवान् कम्पिनमुदे जगत् कारणमायुचत आविर्भूतो दृष्टा दोभक्ते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं सा योगी योगनाम्बरा ओम नमो बृहत्पते नमो गणपते नमः प्रपते नमस्तस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्न विनाशने श्रीसुताय श्री भरतमूर्ते दोमयावः ताम्माव जातभेदो लक्ष्मीमर्भगामि यस्यामिरण्यं प्रभूतं कामद्दासो विन्देह पुरुषाणां यशूचि प्रायतो भूत्या जुहियादात मनभः सुप्तं पञ्चदशरथं च श्रीकामः सततं जपेत् हस्सुदायी गोदायी धनदायी महाधने जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मानो कामना पूर्ति जय देव जय देव रत्न खाचित पारा तुझ गौरी कुमरा चंदा नाची ऊटी कुमकुम केसरा हीरे जाड़ित मुकुट शोभा तो पारा रुण जुड़ती पूरे चरणी गागरिया जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मानो कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना गणपति अप्पा मंगल मूर्ति सर यहाँ पे सिंगल मैम आपका टुवर्ड्स योर लेफ्ट ओके आ जाओ जल्दी आना बेटा कोई बात नहीं बुला लीजिए आ जाओ तिवारी जी तिवारी जी आ जाइए पांडे जी किधर गए पांडे जी आप भी आ जाइए नहीं मैं बाद में आता हूँ सर इधर तिवारी जी यहाँ पे आइए आप यहाँ पे आ जाइए थोड़ा पीछे सर यहाँ सामने देखिए आंचल कैसे ऑन बोर्ड आई आंचल वैसे ऑन बोर्ड आई सो बेसिकली जब गाना हमने रिकॉर्ड किया था रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको लास्ट ईयर करने वाले थे नवरात्रि पे बट बिकॉज ऑफ सम मोर रिलीजेज मेरे कुछ गाने फिल्म के रिलीज से उस टाइम पे तो नहीं किया जब इस साल हमने ये गाना बनाना शुरू किया तो नवरात्रि के पहले सब कुछ सडन हुआ है और आंचल को सेलेक्ट किया मेरी बहुत अच्छी दोस्त श्रुतिका ने और वाया वाया हम मिले एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स सो या सो आंचल ऐसे आई आंचल अगर आप बताएं कि जब आपको अप्रोच किया गया पहले जी और जैसे विवेक ने कहा कि लास्ट ईयर ये होने वाला था प्रोजेक्ट लेकिन इस साल हो रहा है क्या कहना चाहेंगे और जब अप्रोच किया तो क्या रिएक्शन बोलते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम तो इस प्रोजेक्ट पे मेरा नाम लिखना था एंड विच इज़ वाई आई एम ऑन बोर्ड फॉर मी जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ किसी फिल्म की भी तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि एक्टर्स क्या है कब वो फिल्म बनी डेवलप हुई मैं बस स्क्रिप्ट देखती हूँ और मैं उसे चूज़ करती हूँ एंड सेम गोज विद द सॉन्ग्स जैसे ही ऑडियो मेरे पास आया विदाउट इवन नोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आई सेड आई एम डूइंग इट तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये लास्ट ईयर बनने वाला था या कैसे हुआ बट आई एम सो ग्लैड आई डिड इट एंड आई मेट हिम ही इज अ फैब सिंगर मतलब जब हम ट्रैवल भी कर रहे थे गुजरात इन्होंने पूरी जर्नी अपने गाने सुनाए और आई कैन टेल यू कि एक सेकंड भी मैं बोर नहीं हुई सो आई एम सो ग्लैड आई डिड दिस एंड आई मेट यू
जैसे आपकी आवाज तो अच्छी है जैसे आंचल ने कहा, लेकिन आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लग रही है गाने में, थोड़ा सा बताइए कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इजी था? लिरिक्स भी आपने लिखे हैं? हाँ जी, मैंने एक्टिंग के बारे में आप कभी बात करते हो ना, थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ. मैं सिचुएशंस पे रिएक्ट कर लेता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि यू नो जो भी सिचुएशन रहती है उस पे रिएक्शन मेरा हो जाता है. सो मुझे एक्टिंग के बारे में उतना ही पता है. और जहाँ तक म्यूज़िक की आप बात कर रहे हो, तो हाँ, इसके गाने मैंने लिखे हैं और मैं ज़्यादातर करके अपने सारे गाने खुद ही लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और उसको बनाता हूँ. और एक्टिंग में जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट लगा था वो लगा था गुजराती दिखना. बिकॉज मैं गुजराती कहीं से नहीं दिखता. तो अभी जब स्क्रीन पे लोगों ने देखा और बाहर आके ये बोल रहे हैं कि आप गुजराती हो क्या, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. ऑनेस्टली ये आई एम सॉरी घमंड नहीं है, बट ऑनेस्टली इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. चाहे वो मैं किसी रोल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या लुक टेस्ट हो रहा है, मैं कभी भी ऐसे मतलब मेहनत करके प्रिपेयर नहीं करती हूँ. मैं उसके बारे में सोचती ज़्यादा नहीं हूँ, वो ढल जाती हूँ अपने आप. तो जैसे ही मेरे सामने, जिसमें आपने कॉम्प्लीमेंट किया सुंदर लग रही हूँ, थैंक्स टू श्रुतिका गैन फॉर द आउटफिट, मेरे सामने जैसे ही वो आउटफिट आया मैंने अपने आप को विजुअलाइज कर लिया. बस मेकअप दादा को बोला ज़्यादा मेकअप मत करना है, नेचुरल रखना है, एंड ऑटोमेटिकली अगेन व्हेन आई वेंट ऑन सेट एंड लोगों ने बोला आप गुजराती दिख रहे हो, लाइक ही सेड इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. तो ज़्यादा सोचना नहीं होता, और ऐसा मुझे ऐसा लगता है जब चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं तो ज़्यादा सुंदर होती हैं. और हमने देखा कि इस साल नवरात्रि और भी ज़्यादा धूमधाम से होने वाली है, क्योंकि कोविड के बाद सेकेंड नवरात्रि और बहुत ही धूमधाम. तो आप लोग कितना कनेक्ट करते हैं, कोई बचपन की मेमोरीज है नवरात्रि को लेकर जो आप लोग शेयर करना चाहते? मेरी तो बहुत सारी है. बिकॉज बींग अ परफॉर्मर, मैं पिछले 8 सालों से इंडस्ट्री में हूँ और मैं पिछले 7 सालों से टूर्स कर रहा हूँ. तो नॉट इवन ओनली इन इंडिया, आई थिंक मेरे स्टेट्स के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे नवरात्रि में यू नो 50,000 1 लाख क्राउड है, और उनके बीच की बहुत सारी मेमोरीज है. एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, मैं परफॉर्म कर रहा था ह्यूस्टन में, और वहाँ पे एक लड़की आई जो बिल्कुल पैरालाइज्ड है, जिसका मतलब सर भी नहीं हिलता, और शी वॉज इन्जॉइंग. और उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि म्यूज़िक में कितना पावर है कि जो जो इंसान कुछ नहीं कर सकता है वो भी उस चीज़ को इन्जॉय करना चाहता है. तो फॉर दैट डे अनटिल टुडे आई जस्ट होपिंग कि मेरा म्यूज़िक लोगों को खुशी दे. दैट इज़ माई ओनली यू नो थीम, और मैं उसी हिसाब से म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ कि लोगों तक पहुँचे और लोगों को उससे खुशी मिले. दैट इज़ द ओनली मोटिव. आई मीन लकली फॉर मी, मैं नॉर्थ इंडिया में पैदा हुई थी, बट मेरी पैदाइशी मतलब परवरिश पूरी मुंबई में हुई है. तो टिपिकल मुंबईकर एट हार्ट, हर नवरात्रि में हम लोग वेट करते थे आज का कलर क्या है, वो कलर पहनकर नीचे जाना, गरबा करना, गरबा खेलना, डांडिया खेलना, एंड दैट इज़ माई टिपिकल मेमोरी ऑफ लाइक एवरी अदर मुंबईकर. एब्सोल्युटली बहुत टफ होता है यार प्रोजेक्ट्स को मना करना. सबसे पहले सबसे ज्यादा तो पैसे को मना करना, क्योंकि प्रोजेक्ट में अगर ज्यादा दम नहीं होता तो प्रोड्यूसर पैसे बढ़ा देते हैं, और उसको मना करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद वॉट यू वॉन्ट टू डू. अगर आपके कुछ ग्राउंड रूल्स है कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है, या ये करना है तो करना है. एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इवन आफ्टर घायल गॉड हैज़ बिन काइंड, क्योंकि उसके बाद मैंने वेब शो किया विद डिज्नी, उसके बाद मैंने साउथ इंडिया में एक फिल्म की विच इज़ कॉल्ड सही, अगेन इट वॉज अ ब्लॉक बस्टर, नेटफ्लिक्स पे गाइस जाकर देखना. एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग्स अभी मेरी फीचर फिल्म आ रही है बॉलीवुड में, जिसका नाम है मंडली, जो कि 27 तारीख को रिलीज़ हो रही है. सो फिंगर्स क्रॉस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स रिलीज, एंड आप लोगों के रिव्यू का भी वेट रहेगा. यार ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ फेज फॉर मी. मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा हुई थी और मैं एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज द वेरी न्यू नॉर्मल, मतलब लोगों के लिए न्यू नॉर्मल था कोविड, मेरे लिए था कि शिट दैट वाज डिप्रेशन कि मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ.
मेरे लिए बचपन से काम करना, सेट पे जाना, वो मेरी जिंदगी रही है. एंड अब जब मैं वापस से वो कर रही हूँ, आई एम हैप्पी दैट ओके आई एम लिविंग माई लाइफ नॉर्मली. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस टैग ऑल्सो, क्योंकि यूजली लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो नीचे देखा जाता है. नहीं भाई, मतलब अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैं आपको ये पानी की बॉटल बेच सकती हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. एंड वेन यू आर एन एक्टर तो जॉब थोड़ा सा ईजियर हो जाता है. टिपिकल इन्फ्लुएंसर्स के लिए इट इज़ वेरी टफ एंड आई कम्प्लीटली पैसिफाई विद दैम बींग एन एक्टर, क्योंकि फैंस इतने ज़्यादा होते हैं. अगर मैंने बोल दिया बिस्लेरी इज इट तो मतलब बिस्लेरी हो जाती है, फिर लोग खरीदेंगे. सो आई थिंक टू हैव दैट टैग एंड टू बी एबल टू लिव अप टू इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. ड्रीम तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का है, इंशाल्लाह वो जल्दी पूरे होंगे. अबाउट सनी सर, मैं उनको कॉल करती हूँ इंटरव्यू के बाद और बोलती हूँ हेलो लिसन लेट्स मेक हायर वंस अगेन अगेन. यस करेक्ट. मैंने अभी तक वो देखी नहीं है बट मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगी. राजवीर बहुत सुंदर लग रहा है. आई सॉ द टीजर एंड द ट्रेलर, ही इज लुकिंग अमेजिंग एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट. बहुत कोशिश की यार, ये बहुत बहुत सीक्रेटिव है, कुछ बताती नहीं. मैंने बोला कुछ सिखा दे एक्टिंग वैक्टिंग थोड़ी बहुत, तो बोलती है नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो. मैंने कहा अच्छा, तो मैं थोड़ा चौड़ा हो गया. मैंने कहा अच्छा हो रहा है एक्चुअली डूइंग वेरी गुड जैसे आपने वीडियो में देखा. बट सीरियसली एक्टिंग का मैं बेसिकली डिपेंड करता है मेरा कि डायरेक्टर कैसा है. डायरेक्टर अच्छा है तो आप अच्छा एक्ट कर लोगे. एक नॉन एक्टर भी एक्टिंग अच्छी कर लेता है अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो. बस डायरेक्टर के विजन को फॉलो किया और वट एवर इट इज़ जो दिख रहा है वो. मेरा कुछ नहीं है, मैंने उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की. ऑल्सो विवेक, लोगों ने इतनी तारीफ कर ली, हमने गाने में भी सुन लिया है आपका आवाज़, देख भी लिया आपका एक्टिंग करते हुए, अगर दो लाइनें गुनगुना दे आप मानेंगे? सिर्फ आप लोगों के लिए. Aww. उड़ा उड़ा जाए जाए, उड़ा उड़ा जाए जाए, दिल ये पतंग सा, हाय 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 हाय, मेरा दिल गया गया. हाय 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 हाय, मेरा दिल गया गया. उड़ा उड़ा जाए जाए. थैंक यू. एंड ये मेरी और विवेक की एक दिन बात हो रही थी, तो मैं 90s के एरा का हूँ बेसिकली. सो मुझे मेरी मेमोरीज याद आ गई और मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए. एक्चुअली में सच बात यही है, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही एक चार दोस्त मिलके एक स्कूटर पे जाया करते थे, फिर दूसरे के मोहल्ले में जाया करते थे, वहाँ पर लड़कियाँ पटाया करते थे, उनके साथ में खेलना, नंबर मांगना, फिर वो पूरी मतलब स्टोरी चालू होती थी वहाँ से. सो गुजरात में मतलब ये ऑल ओवर वीडियो बनाने का मतलब ये था कि गुजरात में बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे, अपने आप को डेफिनेटली रिलेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सब फेस देखा है अपनी लाइफ का. सो ऑल ओवर यहाँ से पूरा सिचुएशन चालू हुआ था. आंचल की तो मैं क्या तारीफ करूँ, मतलब मैंने उनको कहा भी, आंचल आंचल मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ. हाँ तो मैंने उनको कहा भी कि भाई मतलब हम उनको 10% बताएंगे तो वो 50% आपको करके देंगे. अरे मतलब एक चीज़ आपको बतानी है और क्या निकल के आ रहा है, आपने देखा अभी स्क्रीन पे. एंड आंचल सीरियसली मैंने बहुत सारे दोस्तों को शेयर किया और वो ऑन स्क्रीन आपसे प्यार कर बैठे एक्चुअली. बहुत लोग कह रहे हैं यार इतनी खूबसूरत लड़की दिख रही. विवेक ऑब्वियसली इतने सालों से 25-30-50 वीडियो कर चुका है ऑलरेडी. सो बड़ा मज़ा आया और हम जिस सिचुएशन में शूट कर रहे थे, छोटा सा गाँव, छोटा सा मोहल्ला और लोग इतने कोऑपरेटिव थे वहाँ पे, तो बहुत मजा आया हमको काम करने का. ओके थैंक यू. मुझे गाना बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे लग रहा था कि मैं खुद ही कर लूँ, पर मैंने बहुत किया विवेक के साथ. ऑलरेडी 3 सॉन्ग्स आ चुके मेरे, तो मैंने सोचा कि इस सॉन्ग में विवेक टेक समवन एल्स.
तो मुझे एक्चुअली मैंने 5 डेज लिए, बहुत लोगों को यू नो ढूंढा, बहुत लड़कियों को, बहुत उनको नोन यू नो फेस चाहिए था, तो बहुत लोगों को ढूंढा, बहुत लड़कियों को, बट देन फाइनली बोलते ना बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, वैसे हो गया. ये मेरे जिम में आती थी एंड वैसे हमारी फ्रेंडशिप हुई थी, तो सडनली पता नहीं मेरे फ्रेंड ने बोला कि जो भी हमारी कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक कांचल. तो मैंने बोला अरे यार सामने ही मतलब थी, और देन मैं ले नहीं, मतलब मैंने बात नहीं की. तो उसके बाद मैंने अनुजी को कॉल किया, उनकी मम्मी को, और देन उन्होंने हाँ बोल दिया गाना देखने के बाद, सुनने के बाद, देन हो गया. सो बेसिकली फॉर मी गाइज आई एम आकांक्षा. मेरे लिए तो आई विल से मोस्टली जो क्रेडिट है वो जाएगा विवेक जी को, क्योंकि आवाज़, ओ माई गॉड, मैं फर्स्ट टाइम इनको सुन रही हूँ और आई एम लाइक बिग फैन नाउ, आई कैन से दैट. और बाकी तो एवरी वन हैज़ लाइक अमेजिंग वर्क, डायरेक्टर, एक्टर, सब है, बट मुझे माई फेवरेट इज विवेक जी एंड हिज वॉइस, ओ माई गॉड, बिग फैन, बिग फैन. हाय, मैं अनुपमा प्रकाश. मैंने एक्चुअली सॉन्ग को बहुत इन्जॉय किया है और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है सॉन्ग को, जैसे पुराने ज़माने में लोग कैसे प्यार करते थे, छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढते थे, हर एक चीज़ को मतलब ध्यान में रख के प्रॉपर बनाया गया है कि हाँ वो फीलिंग्स, वो सब चीज़ें जब पापा पकड़ लेते तब क्या फीलिंग्स रहती थी. आप लोग जब देखोगे तो खुद ही सॉन्ग को बहुत इन्जॉय करोगे. सीरियसली सॉन्ग बहुत प्यारा है, आपको देखना बहुत जरूरी है. 90s में जाना है तो बस कुछ आपके कुछ मिनट्स लगेंगे और आप पहुंच जाओगे. सॉन्ग देखते हो, तुमने क्या बोला था, बोलो डायरेक्टली नंबर क्यों नहीं दिया. हाँ डायरेक्टली मैंने बोला डायरेक्टली नंबर देना चाहिए, तो ये मुझे बोलती है नहीं नहीं यार ये पुराने जमाने का सॉन्ग है, पुराने जमाने का सॉन्ग है, आजकल दे देते. फर्स्टली नवरात्रि सीजन आ रही है एंड दिस वॉज अ परफेक्ट सॉन्ग टू ब्रिंग इन नवरात्रि 2023. सो दोलीडा का जो बीट्स था वो बेस्ट था एंड सेकेंडली आई लव्ड विवेक्स एक्टिंग इन इट बिकॉज आई जस्ट आस्क्ड हिम इफ ही इज एक्चुअली अ गुजराती बिकॉज ही लिटरली लुक्ड द पार्ट इन इट. सो लवली वर्क एंड लवली वर्क बाय आंचल एज वेल, लवली. मेरा नाम अस्मी है, मैं राशा से हूँ. सॉरी इट्स माय इनफ. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी दैट बिकॉज एज फॉरनर फॉर मी इट्स मोर ब्यूटिफुल, मोर कलरफुल. आई सो एंजॉयिंग टू सी विवेक बिकॉज ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड. एंड आंचल, इफ आई सेड राइट नेम, आई एम सॉरी, फाइनली आई एम रियली एंजॉयिंग. And my favorite moment when the dancing Garba, actually I so love Garba, I tried. It was very hard, I was crying. It's very, very difficult to dance Garba. Yeah. I really know how it's difficult and it's really beautiful. I like dresses of Garba, I like emotions. And of course I love Vivek acting and Angel. Angel, I'm sorry, Angel, Angel. Yeah, and both of them, they was looking so beautiful, very cute. And I like actually end of this song, when uncle accept call. It yeah. was very funny moment. Thank you that so was much. A typical Indian. Yeah, typical Indian. Yeah. Yeah, thank you so much for invite us, Vivek and Angel. Yeah, we are so thank enjoying. You so much. We would like to come again. Thank you so much. Sure, thank you so India. Much. को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहां आए. और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया की ज़रूरत तो भैया आपको पता है, चाहे मोदी जी हो या शाहरुख हो या सलमान हो, हर किसी को पड़ता है. तो आप लोग थोड़ा प्यार आशीर्वाद हमारे विवेक बाबू को, इस गाने को भी दीजिए. आप लोग जैसा पब्लिसिटी करेंगे उस हिसाब से आप देखिए, अरिजीत जी भी कभी इनके तरह ही नया हुआ करते थे, आज अरिजीत जी कहाँ पहुँच गए हैं. मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बात आपको बता रहा हूँ. और बहुत दिनों बाद आप सब ने देखा होगा कि सॉन्ग के जरिए मैं प्रदीप जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने कि एक इनिशिएटिव लिया, रिस्क लिया, इस पे पैसे लगाए इस गाने पे, और धर्मेश पटेल जी जिन्होंने इस गाने को इतने ब्यूटीफुली कैप्चर किया है. जो बोलते हैं ना गदर देखने के बाद लोग बोल रहे हैं कि 90s इज़ बैक, चाहे वो अक्षय कुमार जी का ट्वीट हो या शाहरुख खान साहब का, सब ने जिस तरह से गदर का तारीफ किया उसी तरह आप सब लोग अपना इस गाने को प्यार आशीर्वाद दें. और विवेक जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई, क्योंकि विवेक जी 1 तारीख को केरला निकल रहे हैं, एक पैन इंडिया की फिल्म कर रहे हैं भाई साहब.
अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या किरदार कर रहे हैं वो तो मैं इस समय नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनका NDA है साइन, तो फिलहाल मैं ये नहीं बता सकता। बट विवेक जी बहुत जल्द आप लोगों को 12 जनवरी को वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है और फिल्म अभी रिलीज़ के लिए शूटिंग के लिए जा रही है फ्लोर पे, तो आप लोगों को बहुत जल्दी दिखेगा। करें ये लड़का एक म्यूज़िक वीडियो में कहाँ क्यूट सा चॉकलेटी बॉय गुजराती लड़का एंड देन सडनली एक पैन इंडिया की फिल्म जो हिंदी गुजराती कन्नड़ तमिल तेलुगू मलयालम में रिलीज़ हो रही है और साउथ के ही मतलब डायरेक्टर हैं, पूरी टीम साउथ की ही है उस फिल्म का, और उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग अगेन हम लोग होपफुली उस फिल्म के सिलसिले में भी मिलेंगे और इस गाने को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग से, मैं यही विनती करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने विवेक जी और आंचल जी का काम को देखा है, सराहा है, अब आगे भी इस सॉन्ग को आप लोग काफ़ी प्रमोट करिए अपने लेवल पे और इनको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सर। बिहाइंड दिस मैडनेस पैसे इन्होंने डाले इसलिए इनकी हालत ऐसी हो रखी है। आ जाओ आ जाओ। सो दिस इज़ आर स्मॉल टीम। विमल जी DOP, इन्होंने फोटोग्राफी की है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं। प्रदीप भाई प्रोडक्शन के पीछे पूरा हाथ इनका है और धर्मेश भाई से आप मिल ही चुके हैं। ये मोहतरमा जो हैं इनकी वजह से थोड़ा ब्यूटीफाई हो गया है और थोड़ा पागलपन मेरी वजह से आ गया है। रेस्ट अप टू यू गाइस, यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट। वैसे विवेक ने बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम हैप्पी कि आंचल ने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वीडियो एंड कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट कि ये वीडियो चले। मतलब अगली वीडियो पे पैसे डाल रहे हो ना? ये कमिटमेंट है। वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं। देखो हमने टू बी कंटिन्यूड कर दिया है। कैमरे के पीछे वाला हूँ, वैसे ज्यादा बोलना नहीं आता मुझे। कैमरे के आगे ये दोनों ही बोलते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है विजुअली, मतलब विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है सर, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? थैंक यू गाइस। पहली बार तो आप लोग आए और इतना आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, इससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली और आप लोगों का जो उत्साह है उससे भी पता चल रहा है कि एग्जैक्टली हमने जो मेहनत की है वो सही ढंग से है और साकार हुआ है। और काफ़ी टाइम से मैं तो विवेक जी के साथ कनेक्टेड हूँ बट मैंने आंचल के साथ पहली बार काम किया और दोनों का जो पेयरिंग है वो ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री थी वो इतना जेल्ड लगी जैसे कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से। जनरली क्योंकि हम जिस बजट बहुत फैक्टर वर्क करता है बहुत ही स्मॉल, इसमें हम जो है कनेक्टिविटी के लिए जो है ना थोड़ा तो टाइम लगता है बट फ्रॉम द फर्स्ट शॉट जो इन लोगों ने जिस तरीके से शॉट दिया वो हमारे लिए काफ़ी जो है ये था सरप्राइजिंग था और वो हम कहीं ना कहीं हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और शूट के टाइम पे ही पता चल गया कि यार वियर्ड ये कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। एंड थैंक्स लॉट फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपॉर्चुनिटी दिया, डेफिनेटली स्पेशली विवेक जी बिकॉज इनके साथ में कनेक्टेड होते इस ट्रस्ट इज मोर देन एनी अदर। एंड धर्मेश भाई तो मेरे बचपन के फ्रेंड हैं, समझ लीजिए लास्ट 22 ईयर्स से हम कनेक्टेड हैं, तो ही लगोटिया यार। बाकी प्रदीप जी से लास्ट हमने एक वीडियो और शूट किया तो हमारी फेस टू फेस में काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने धर्मेश जी से सुन के रखा था बट लास्ट वीडियो में मेरी मुलाकात हुई और आंचल ने तो जो काम किया है वो आप लोगों ने देखा। आंचल वाज टू गुड। थैंक यू एवरीवन। टू थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली मेजमराइज्ड बाय द सॉन्ग बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ सॉन्ग, दिस इज होल मूवी लाइक अ लव स्टोरी because from start to end she's you know the chemistry is getting revealed, the story is getting revealed till end, you feel so much like you know excited like what exactly going to happen next and then there is a flashback and all, so how they are going to meet it you need to watch it, it's amazing song and lovely work Vivek, that's really great and gana bhi inhone gaya hai and being non Gujarati doing this task it's such a great job guys, really hats off, really hats off, thanks, thank you so much, thank you so much। आप लोगों नमस्ते कहना चाहूंगा, थैंक यू। सेकंडली मैं 90s किड हूं तो वो
90s वाला जो फ्लेवर है ना, जो लड़की गली में जाती है रुमाल गिराती है, एंड सबसे यूनिक मुझे लगा नंबर वाला, जो द वे शी शेयर्ड द नंबर, प्लस आई रियली लव द चार्म आंचल एंड विवेक हैड ऑन द फेस, ऑल द स्माइलिंग फेस. और मैं बहुत हर जितना देर मैंने गाना देखा है मैं मुस्कुरा रहा था. सो आई एम रियली होपिंग कि ये गाना बहुत चले, और मेरे तरफ से आंचल, विवेक और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और कंग्रेचुलेशंस. मैं अभी टीवी नहीं कर रहा हूँ, आई हैव जस्ट लेफ्ट टेलीविजन, फोकसिंग ऑन वेब. दो वेब करके रखे हैं जो बहुत जल्दी रिलीज होंगे, और एक अभी फ्लोर पे जाएगा आई गेस नवंबर में. तो बस यही चल रहा है, म्यूजिक वीडियोस कुछ चल रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.